हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फर्नीचर बाजार। आज आपके लिए लेकर आए हूँ एक नया इवेंट जिसमें हम काम किया है एक रिकॉर्डिंग म्यूजिक स्टूडियो पे। जीएसएम का प्लास्टिक, इस पे आपका वॉल का जो डैम वो नहीं निकलता है और साउंड प्रूफिंग भी अच्छा होता है। अब हमने पूरी फ्लोर पे ब्लैंकेट बिछाया है, इस पे आपका रूम प्राइवेट नहीं होता। इसके बाद 2 फीट बाई 2 फीट का लकड़ी से खांचा कर लिया। इस खांचे में हमने दिया ग्लास वूल। पूरी फ्लोर में हमने 19 mm प्लाई बिछाया है, इसको कोई कोई भी रेकुल भी कहते हैं। इस ग्लास वूल को काम करने से पहले आपको बहुत ही सावधानी बरतना होगा, जैसे हाथों में ग्लव्स, मुंह में मास्क, वरना बहुत ही इचिंग होता है। जिसको एलर्जी है वो तो इसका काम ना करे तो अच्छा है। फिर 2 फुट गैप करके पूरी वॉल में हमने लकड़ी लगाया पूरी वॉल में। वॉल में भी हमने राकुल लगाया। और जिप्सम से कवर कर दिया। जिप्सम का जो गैप होता है वो पूरी तरह से पुट्टी से नहीं कवर होता, इसने हमने पीयू फोम का इस्तेमाल किया है, वरना अच्छे से साउंड प्रूफिंग नहीं होता। हमने सेम टू सेम लकड़ी से खांचा करके राकुल लगाया और फिर जिप्सम से कवर कर दिया।
वाइब रूम और कंट्रोल रूम, ये दोनों दरवाजा होता है। वो उसका फ्रेम हमने 12 इंची का रखा है और हर एक फ्रेम में दो दरवाजे और दो फ्रेम में हमने चार दरवाजे की दिया है। इसमें साउंड प्रूफिंग भी अच्छा होता है। फ्रेम लगाने के बाद हमने पूरी वॉल और सीलिंग पुट्टी कर लिया। अब पैसनिक का एसी भी लग रहा है, देखिए। इसके बाद का जो लेयर सेमी होता है, इस लेयर में हमने 18 इंची लकड़ी का गैप रखा है। से हमने पूरे वॉल पे रेकुल लगाया। ये जो कपड़ा होता है, देखिए, ये मैट की तरह ही होता है। बहुत ही मोटा होता है ये कपड़े। इस कपड़े से हमने पूरे रूम ढक दिया। ये जो देख रहे हैं आप, विंडो का काम चल रहा है। ये विंडो का साइज हमने 32 इंची बाई 36 इंची रखा है। फिर पाइन कट से हमने डिजाइन कर दिया, देखिए। Thank you.
पीछे भी एक डिफ्यूजर लगाया है फाइन कट से, देखिए आप। अब देखिए सीलिंग का काम चल रहा है, सीलिंग के अंदर हमने फोम लगाया और कपड़े से डिजाइन कर दिया। ये रहा आपका स्टूडियो टेबल, देखिए ये जो ट्रे है वो पियानो ट्रे है। लग रहा है विंडो में 12mm का ग्लास, दो ग्लास लगेगा 12mm का दोनों तरफ से। दोनों ग्लास के बीच में हमने एकोडियम का स्टोन लगाया अच्छा देखने के लिए। अब चल रहा है साउंड टेस्टिंग का काम, देखिए कैसे साउंड टेस्टिंग का काम चल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट कर देना और एक लाइक और शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं एक नया वीडियो पे नया कुछ सीखने के लिए, चलो बाय। हेलो 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 हेलो